निशाने पर लगता है और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिमनासा, हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुप जाओगी। क्विन तिमनासा, हमारे पास एक ग्रेट न्यूज है। लगता है रे और बीमार को टिक टिक मिल ही गया। तिमनासा, इस तरह जीती हुई बाजी बीच में छोड़कर कहां जा रही है? अगर हम बालवीर के कवच को शक्ति से नहीं भेद सकते तो क्या हुआ? युक्ति से तो भेद सकते हैं ना? युक्ति मतलब? युक्ति मतलब उपाय, तरीका, चालाकी। जैसी युक्ति रावण ने सीता को बाहर निकालने के लिए लगाई थी, उससे भी खतरनाक और शक्तिशाली युक्ति अब मैं लगाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भौरे ने भेजा है शाल परे। क्या? अरे मेरा मतलब है मुझे शौर्य ने भेजा है बाल परे एक संदेश देने के लिए। लेकिन डूबा डूबा तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। इस आपातकालीन यंत्र की मदद से, इस यंत्र की मदद से हम किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं जो जो मुझे बाल परे ने दिया था। तो अभी कौन सी आपातकालीन स्थिति है डूबा डूबा? बताओ जल्दी से, शौर्य ने क्या कहा है? यही कि आप लोग सावधान रहिए क्योंकि दुश्मन इस दानों को ले जाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकता है। दोनों परियां कहां गई? वो सब हम बाद में देखेंगे, अब एक सुरक्षित स्थान पर चलते बाहर चल। मैंने दूध की कढ़ाई को ऐसे हिलाया है कि मक्खन खुद ही तैर कर ऊपर आ गया। इंदिमना साहब, आप जाइए और उस बालवीर को संभालिए, तब तक हम यहाँ इस टिक टिक को अपने काबू में लेते हैं। हाँ तिमनासा, आगे का हम संभाल लेंगे। देवो भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिमनासा, क्योंकि नरक जाने का समय तुम्हारा आ गया है। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? किटिन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! जाओ बालवीर,
अब या तो इसराइल के अंदर के लोगों को बचा लो या इसराइल के रास्ते में आए लोगों को बचा लो, तुम्हारी मर्जी। बचाओ, 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 बाली, बचाओ, 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 बाली, बचाओ, बाली, बचा लो हमें। अब सब घबराइए मत, जल्दी जाइए, जाइए। भागिए, तुमने अपने ही हाथों से अपनी मुसीबत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, भगवान तुम्हें सदा सलामत रखे। बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बालवीर भागा होगा या ना भागा होगा, लेकिन अभी हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि आग हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। भागो, 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 चलो 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 बच्चों, भागो, भागो, अरे भागो, भागो चिट्टी, भागो। देवू भैया, जो करना है जल्दी करो, वरना थोड़ी देर बाद हमारी सिर्फ राख मिलेगी आपको। भूकंप तो रुक गया, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा या नहीं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, ज्वाला परी और ध्वनि परी आ जाए, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? डुबडवा वो। बाल परी, आप हमारी चिंता मत करिए, हम भूकंप में दबे लोगों की सहायता करने गए हैं। हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। ओ अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हम तो सोच रहे थे कहीं परियां मुसीबत में ना हो, लेकिन यहाँ पर तो परियां खुद लोगों को मुसीबत से निकालने गई है। अच्छे लोग, इन्हें अच्छा है कि पुड़िया में बांध के झूठ की कोई भी गोली खिला दो, तुरंत निकल लेते। लेकिन हम इस टिक-टिक को यहाँ से बिना किसी को पता चले ले जाएंगे कैसे? है एक युक्ति मेरे पास। टिक-टिक, हमारी बात ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन हैं। That means, हम तुम्हारे दोस्त हैं। और हम तुम्हें बालपरी के चंगुल से आजाद कराने आए हैं। लेकिन बेमार, अगर हमने इसकी चेन खोलने की कोशिश की तो इन परियों को पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा रे। अब बिना कोई आवाज के यहां से उड़ जाओ टिक टिक। बेस्ट ऑफ लक। अब मेरे ख्याल से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरे भारत नगर को ठीक कर देती हूँ। बालपरी, अब हमें टिकटे को सुरक्षा कवच के अंदर ले जाना चाहिए। चलो। दबड़ दबड़, दबड़ दबड़, दबड़ दबड़। ये किधर गया? अरे इतनी जल्दी तो गधे के सिर से सींग भी गायब नहीं होते। चिंता मत करो, वो दानव जंजीरों में बंधा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अनन्या, तुम यहीं रुक के ध्यान रखो। दोबारा चलो, हम देखते हैं। चलो चलो। टिकटे, टिक टिक।
मुझे दोस्त और दुश्मन में अंतर करना आता है, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। हम बुराई की दुनिया से हैं, काल लोक से, और चाहते हैं कि दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहे, और इसलिए तुम्हें चुरा के लाए। हमें काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो जॉब हम तुम्हें थोड़ी देर में बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। एक तरफ जलती हुई रेलगाड़ी में बच्चे फंसे, भारत नगर के सारे लोग, और पता नहीं वो टिक टिक कहाँ चला गया। लेकिन बालवीर, सबसे पहले उस दानव को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। रेलगाड़ी में तो विवान है जो वहाँ की स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अगर वो दानव हमारे हाथों से निकल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि वो दानव ही हमारी तीसरी दुर्लभ कुंजी है। आप सही कह रही हैं माँ, सबसे पहले हमें उस टिक-टिक को ही ढूंढना होगा। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। देखिए हवाई यात्रा पर आए थे, अब तो लगता फ्री खानते संस्कार हो जाएगा। मिश्रा जी शुभ शुभ बोलिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। क्या करुणा जी, भगवान पर भरोसा रखिए, लगता है आप तो भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। देखिए आप तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, भगवान हमारी मदद करने हर वक्त अलग अलग रूप में आते हैं, तो हो सकता है कि आज बालवीर के रूप में आए हो। हाँ विवान इज राइट, क्योंकि बालवीर का कहना है कि हर बच्चे में बालवीर होता है, और अगर हम लोग हिम्मत रखें तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? यस, ये हुई ना बात रिंकू। चल अब यहाँ पे जितने भी लोग प्यास से बैठे हैं हम मिलके उन्हें पानी पिला देते हैं। हाँ, और मैं सबके लिए फर्स्ट एड लेके आती हूँ। ओके ओके। सीखो सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ऐसे हालात में भी उनका विश्वास बालवीर पर से नहीं हिला, और आप लोगों का भगवान पे से हिल गया। माफ करना दादाजी, हम लोग कुछ ज्यादा ही निराश हो गए थे, लेकिन बच्चों को देखकर हम सब में बहुत हिम्मत आ गई है। ये बालवीर नजर नहीं आ रहा, ये भारत नगर तो नहीं चला गया। कौन तिमनासा, हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। टिक-टिक को हमने पकड़ लिया है तिमनासा, और बहुत जल्द वो दुर्लभ कुंजी में बदल जाएगा। लेकिन उस बेचारे को अभी तक ये पता नहीं, वो तो हमें अपना दोस्त समझ रहा है। बहुत खूब, लेकिन ध्यान रहे कि तुमसे कोई चूक ना हो, क्योंकि बालवीर भारत नगर आ सकता है, और ये टिक-टिक तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी क्वीन तिमनासा, बालवीर को तो हम संभाल लेंगे। सो मिस्टर टिक-टिक, अब हमने तुम्हें फ्री करवाया तो बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, राइट? तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम चाहते हैं तुम अपनी शक्तियों से बालवीर को दृष्टिहीन बना दो, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हें हमसे चुराने आने ही वाला होगा। ये काम तो मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि मुझे उस बालवीर से पुराना हिसाब भी बराबर करना है। वाह, जैसे ही तुम बालवीर को दृष्टिहीन कर दोगे हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, हिमलोक। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जैसे ही ये बालवीर को ब्लाइंड बालवीर बना देगा, हम इसके विंग्स वापस लेकर इसे फिर से चेन से बांध देंगे। और ये बेचारा एक निर्जीव दुर्लभ कुंजी बन जाएगा। स्थिति पैदा करूंगी कि बालवीर को हार कर मेरे सामने आना ही पड़ेगा।
आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगा बालजी। बालवीर मुझे बचाओ, बचाओ बालवीर, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ बालवीर, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लगता है इस गाड़ी के अंदर किसी को कैद करके रखा गया है जो इसकी मदद करनी होगी। उस दानों के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को दृष्टिहीन बना सकता है। खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे हाथों में ये घड़ी है मैं अपना भविष्य और अतीत दोबारा लिख सकता हूं, तो खुद को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? अरे बागवान, आप दोनों ने सही समय पर आकर मुझे सम्मोहित होने से बचा लिया, वरना वो टिक-टिक हमेशा के लिए मेरी दृष्टियां छीन लेता। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ बालवीर, देखा नहीं कैसे हमें देख के कायरों की तरह भाग गया। हाँ, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर गया है, वरना कुछ ही समय में वो दुर्लभ पूंजी बन जाएगा और अगर वो धरती के संपर्क में आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। इसका मतलब उसकी शक्तियाँ कम हो रही है। हाँ, इसलिए आप दोनों टिक-टिक को ढूंढिए, तब तक मैं जाकर रेलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूं। हम लोगों ने बहुत देर से हिम्मत बांध करके रखी हुई है, लेकिन अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा बालवीर कहाँ है? क्या आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, टेस्टलेस और एडोरलेस गैस है, बिल्कुल पानी की तरह। बस पानी हमें जान देती है और ये मोनोऑक्साइड हमारी जान ले लेती है। हेलो हेलो हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, लोको पायलट आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन पे आइए। हेलो ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन में टक्कर होने वाली है। हेलो, मैं ट्रेन 1234 का टीपी बोल रहा हूँ। पर लोगों पहले से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज कंट्रोल रूम को सूचित करने की कोशिश कीजिए। टीटी साहब, कंट्रोल रूम इसमें कुछ नहीं कर सकता है, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही है और ट्रैक चेंज करने के लिए लाइनमैन से संपर्क भी नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, मर गए। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ झटका, बालवीर कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? अरे गिर पड़े अंकल, मुझे पूरा भरोसा है बालवीर जरूर आएगा और दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगा। अरे लेकिन अगर आने वाला होता तो हमें दिखाई तो देता। हेलो हेलो लोगो पायलट, आपको अभी ट्रेन से बालवीर कहीं नजर आ रहे? हाँ दिखाई दिया, मुझे बालवीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेजी से भागती हुई दो रेलगाड़ी को टकराने से कैसे रोकेगा बालवीर? हाँ।
ये पटरी बदलने का उत्तोलक अचानक जाम कैसे हो गया? बाजी पलटने का मौका दे दूंगी।